हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने दुनिया की 15 सबसे ज़्यादा बिकने वाली और 15 सबसे कम बिकने वाली 2020 की कारों का सेल्स फिगर जाना था। और दोस्तों, इस वीडियो में हम हुंडई क्रेटा और निसान किक्स का डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं इनके बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि प्राइस, इंजन स्पेक्स और डायमेंशन। प्राइस की बात करें तो क्रेटा 10.16 लाख से शुरू होकर 17.87 लाख तक मिलती है, जबकि निसान किक्स 9.50 लाख से शुरू होकर 14.64 लाख तक मिलती है। और वहीं बात करें इनके इंजन स्पेक्स की, तो दोनों में आपको 1.4 लीटर का पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन मिलता है और क्रेटा में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है, जबकि निसान किक्स में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है। अगर बात करें निसान किक्स के 1.4 लीटर पेट्रोल टर्बो की, तो इसमें आपको 154 bhp का पावर, 254 न्यूटन मीटर का टॉर्क और इसमें आपको 15.8 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। इसमें आपको CVT ऑटोमेटिक और मैनुअल 6 गियर का ऑप्शन मिलता है। और वहीं बात करें हुंडई क्रेटा के 1.4 लीटर पेट्रोल टर्बो की, तो इसमें आपको 138 bhp का पावर, 242 न्यूटन मीटर का टॉर्क और इसमें आपको डुअल क्लच 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है, इसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता है। और बात करें वहीं इसके 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन की, तो इसमें आपको 113 bhp का पावर, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जिसमें 17 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। अगर वहीं बात करें किक्स के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन की, तो इसमें आपको 105 bhp का पावर, 142 न्यूटन मीटर का टॉर्क और इसमें आपको 13.9 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और इसमें आपको सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन मिलता है। अगर बात करें वहीं अब 1.5 लीटर डीजल इंजन की, जो कि क्रेटा में ही सिर्फ मिलता है, तो इसमें आपको 113 bhp का पावर, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, इसमें आपको मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। मैनुअल में 21 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और CVT ऑटोमेटिक में 19 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। ये तो बातें हो गई इनके इंजन स्पेक्स की। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन की बात करें तो निसान किक्स हर मामले में आगे है। लेंथ आपको इसमें 84 mm ज़्यादा मिलता है, विड्थ भी आपको 23 mm ज़्यादा मिलती है, हाइट भी आपको 34 mm ज़्यादा मिलता है। जबकि ग्राउंड क्लियरेंस को देखेंगे तो निसान किक्स में आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और क्रेटा का अता पता नहीं। और इधर व्हील वेस को देखेंगे तो व्हील वेस भी निसान किक्स में आपको 63 mm ज़्यादा मिलता है। बूट की बात करें तो आपको 433 लीटर का बूट स्पेस क्रेटा में और 400 का निसान किक्स में मिलता है। फ्यूल टैंक दोनों में बराबर 50-50 लीटर का और दोनों में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। तो ये तो बातें हो गई इनके बेसिक इन्फॉर्मेशन की। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं इनके फीचर्स को। फीचर्स की बात करें तो दोस्तों हम पहले इनके कॉमन फीचर्स को देखेंगे, जो कि दोनों में मिलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सेफ्टी के कॉमन फीचर्स के बारे में। दोनों में आपको एयरबैग्स मिलते हैं, लेकिन क्रेटा में आपको 6 और किक्स में 4 मिलते हैं। ABS, EBD, सीट बेल्ट वार्निंग, प्री टेंशनर विथ लोड लिमिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, चाइल्ड एंकर पॉइंट्स, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं सेफ्टी के। और बात करें वहीं कंफर्ट कन्वीनियंस के कॉमन फीचर्स की, तो दोनों में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, हीटर, वैनिटी मिरर और सन वाइजर, केविन बूट एक्सेस, रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ गाइडलाइंस, क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन, टिल्ट स्टेयरिंग, 12 ऑल्ट पावर आउटलेट्स, फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस बाय ऐप, जियो फेंस, इमरजेंसी कॉल, रिमोट AC ऑन ऑफ बाय ऐप, 8-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड गियर नॉब, ड्राइवर आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज, बेंच फोल्डिंग रियर सीट, रियर आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर्स, फुल फोल्डिंग रियर सीट, फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स, फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट, फ्रंट एंड रियर कप होल्डर्स, कूल ग्लव बॉक्स, ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन ड्राइवर विंडो,
एडजस्टेबल ORBM, टर्न इंडिकेटर ऑन ORBM, शार्क फिन एंटीना, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, बॉडी कलर्ड ORBM, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, पडल लैम्प्स, एम्बियंट लाइटिंग आपको किक्स में ऑप्शनल मिलता है, फ्रंट फॉग लैम्प्स, LED हेडलाइट, केबिन लैम्प्स, हेडलाइट हाइट एडजस्टर, रियर रीडिंग लैम्प्स, ये सारे कॉमन फीचर्स आपको मिल जाते हैं कंफर्ट कन्वीनियंस के। और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो दोनों में आपको इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। और बात करें इंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट की तो दोनों में आपको टच स्क्रीन मिलती है, किक्स में आपको 8 इंच की और क्रेटा में आपको 10.25 इंच की। दोनों में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, GPS नेविगेशन, USB, AUX एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, iPod कनेक्टिविटी, AM/FM रेडियो, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, और आपको क्रेटा में 8 स्पीकर बोस के और निसान किक्स में 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो ये तो बातें हो गई दोस्तों दोनों के कॉमन फीचर्स की। आगे बढ़े बात कर लेते हैं दोस्तों उन फीचर्स के बारे में जो आपको क्रेटा में तो मिलते हैं लेकिन निसान किक्स में नहीं। तो वो सारे फीचर्स हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिमोट कार लॉक अनलॉक बाय ऐप, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, सनग्लास होल्डर, साइड विंडो ब्लाइंड्स, पैनारोमिक सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, LED टेल लाइट्स, एवरेज स्पीड, वायरलेस चार्जर, लेदरेट सीट, ये सारे फीचर्स आपको हुंडई क्रेटा में मिलते हैं लेकिन निसान किक्स में नहीं। और आगे बढ़ें अब बात करें वहीं उन फीचर्स के बारे में जो आपको निसान किक्स में तो मिलते हैं लेकिन हुंडई क्रेटा में नहीं। तो वो सारे फीचर्स हैं थोड़े बहुत मिडल रियर हेडरेस्ट, ब्रेक असिस्ट, फैब्रिक सीट, उसमें आपको लेदरेट मिलती है, क्रोम इंसर्ट, रब ट्रिप्स, ग्लव बॉक्स लैंप और ड्राइवर साइड सन वाइजर विद वैनिटी मिरर, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं निसान किक्स में लेकिन हुंडई क्रेटा में नहीं मिलते हैं। तो ये तो बातें हो गई फीचर्स के बारे में। अगर बात करें कलर ऑप्शन की तो क्रेटा और निसान किक्स दोनों में आपको 9 कलर ऑप्शन मिलते हैं। और वारंटी ऑफर की बात करें तो आपको क्रेटा में 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है जबकि निसान किक्स में आपको 2 साल या फिर 50,000 किलोमीटर की वारंटी ऑफर मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स यही रहा हुंडई क्रेटा और निसान किक्स का डिटेल कंपेरिजन इस वीडियो में। इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।